आप फौरन इस शख्स को गिरफ्तार करिए। और साथ ही साथ कल एक और वीडियो ये यति नरसिंहानंद का, उनके एक साथी का आया कि वो ये धमकी दे रहे हैं कि वो ना सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह एफिजी को बर्न करेंगे बल्कि हजरत अली के एफिजी को बर्न करेंगे। ये क्या कर रहे हैं लोग? आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या भारत में क्या आप मसले मसाइल पैदा करना चाह रहे हैं? तो इसलिए जरूरी है कि इन लोगों पर फौरन एक्शन लिया जाए। हम तो यहाँ पर आज हमारा रिप्रेजेंटेशन देकर आए हैं और उनके ऊपर यहाँ पर केस रजिस्टर भी होगा और हम सीपी से रिक्वेस्ट किए कि आप टीम भिजाइए, हैदराबाद की पुलिस को भिजाकर इनको सिर्फ केस रजिस्टर मत करिए बल्कि इनको अरेस्ट करके लेकर आइए। और बीएनएसएस के सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस का हवाला हम आपको नोट में दे चुके हैं। ये एक बहुत जरूरी है पीस के मेंटेन करने के लिए और ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके। और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा है और इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब ये बताना है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो बायस नहीं है। अगर वो बायस नहीं है तो इसको अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है।